वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डू व्हाइल लूप क्या होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि हमारे पास सिंपल व्हाइल लूप क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैंने ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे रखा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो डू व्हाइल लूप में आपका वेलकम है। आप इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं डू व्हाइल लूप का हमारे सी प्रोग्राम में और कैसे कैसे इसका सिंटैक्स वगैरह क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जो हमारे पास डू व्हाइल लूप होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो होती है हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या मतलब है फ्रेंड्स। मैंने जब लूप्स शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लूप्स दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी होती है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले तो कंडीशन की चेकिंग होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी फिर जाकर बॉडी ऑफ लूप में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। बट हमारे पास जो डू व्हाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले डू लगाने के बाद हमारे पास बॉडी ऑफ लूप आती है जिसमें हम स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। मतलब क्या कि डू व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स जो है बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो हमने लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद जाकर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से एग्जीक्यूशन होगी, वरना ये क्या कंट्रोल आउट ऑफ द लूप ले जाएगी। मतलब क्लियर है सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारे पास डू व्हाइल लूप होती है वो क्या होती है, एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इस लूप में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बॉडी ऑफ लूप की एग्जीक्यूशन होनी होती है, उसके बाद जाकर हमारे पास कंडीशन की चेकिंग होती है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चले हैं अगर हम, तो इसमें क्या होगा कि अगर तो पहले क्या होगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ से मैं सिंटेक्स फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। डू लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगेंगे और यहाँ पर आके क्या करेगा हमारा व्हाइल कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम डू लिखते हैं, डू लिखने के बाद हम जो भी हम स्टेटमेंट हम हमारे पास जो भी कोड होता है उसे हम बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो उस कोड की एग्जीक्यूशन होनी है, उसके बाद जाकर हमारी क्या है कंडीशन की चेकिंग होनी है वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर। तो आई थिंक कि आपको सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। डू लगाने के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी है जिसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है, उसके बाद हमें कंडीशन देनी है वाइल के अंदर, उसके बाद हमें सेमी कोलन भी जरूर लगाना है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं हमारी आईडीई के ऊपर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे से कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं डू व्हाइल लूप में, एक प्रोग्राम बनाएंगे। आपको बता दूँ पहले मैं ओलन कंपाइलर्स का यूज़ करता था, बट अब मैंने डेव C++ कंपाइलर जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो जब हम डायरेक्टली इसमें कंट्रोल एन दबाएंगे उसके बाद हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस प्रोग्राम से। तो आज की इस वीडियो में आपको डू व्हाइल लूप का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम बना के बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, यूजर से कोई नंबर इनपुट करवाऊंगा और जो भी नंबर मैं इनपुट करवाऊंगा मैं उसके करूंगा क्या, उससे सिंपली मैं उसे क्या करूंगा, उस मान लीजिए यूजर ने 5 इनपुट किया है तो मैं पहले 5 नंबर की एवरेज निकाल दूंगा। तो देखिए अब मैं कैसे करता हूं उस प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं कमेंट लिख लेता हूं, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डू व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। जिन लोगों ने ओलन कंपाइलर यूज करते हैं, टर्बो सी कंपाइलर यूज करते हैं या फिर दूसरा कंपाइलर यूज करते हैं जो हमारे पास होता है विजुअल स्टूडियो कोड, मैं उनको सजेशन दूंगा कि ये कंपाइलर बहुत ही अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं जो कि मैंने कल ही डाउनलोड किया। तो अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम निकालने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ डू व्हाइल लूप को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, सॉरी, उसके बाद मैं दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड conio.h। नीचे आने के बाद मैं void main लगाऊंगा यहाँ पे, मिस्टेक्स बहुत हो रही है। void main लगाने के बाद अब मैं करूँगा क्या, अब मैं यूज़र को कहूँगा कि कोई भी नंबर एंटर करो, कितने नंबर की तुम एवरेज निकालना चाहते हो वो नंबर एंटर करो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट एन नाम का, और अगर मुझे सम भी करना है सम नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और एवरेज तो मैं फ्लोट में रखूँगा, ठीक है, इंट एन सम, और एक कंट्रोल वेरिएबल रखूँगा आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एवरेज निकालने, तो मैं एवरेज जो है वो रियल नंबर्स में होती है, फ्लोट वैल्यू में होती है, इसलिए मैं फ्लोट नाम का एक एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पे मैं यूज़र सबसे पहले इनपुट करवाऊँगा नंबर, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट एफ का,
प्रिंट एफ करके कहूँगा मैं यूज़र को, कैपिटल लेटर में लिखूँगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, मैं यूज़र को कहूँगा कि एन की वैल्यू को एंटर कीजिए, तो यूज़र एंटर करेगा एन की वैल्यू को। अब जो भी वो एंटर करेगा एन की वैल्यू को, उसे स्टोर कहाँ करवाना, मैंने एन के अंदर स्टोर करवाना, स्मॉल एन के अंदर, जो कि मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप है। स्कैन एफ का यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं परसेंट डी कर दूँगा और एड्रेस टू कर दूंगा मैं उसे एन में। अब जो भी यूज़र नंबर इनपुट करवाएगा उसे मैं एन में स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मुझे करना क्या है, हमारे पास जो डू बाई लूप होती है, इससे चलाने के पहले मैंने आपको बताया कि इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, तो मैं आई इज इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पे 1 और सम जो मेरे पास उसे मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आई को मैंने क्या है 1 के इक्वल कर दिया, सम को मैंने 0 के इक्वल कर दिया। अब मैं यहाँ पे डू वाई लूप चलाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डू लिखूंगा यहाँ पे, उसका सिंटैक्स तो आपको पता ही है। डू लिखने के बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस लगानी होती हैं, जिसे मैं कहता हूँ बॉडी ऑफ लूप। डू लिखने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम इक्वल्स टू कर दूंगा, सॉरी सबसे पहले मैं करूँगा आई प्लस प्लस करूँगा, क्या करूँगा सम इक्वल्स टू क्या करूँगा, सम प्लस आई। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी कंडीशंस, मतलब ये मैंने करवाना है, मैंने आई को इंक्रीमेंट करवाना है और सम, सम मेरे पास पहले 0 है और अगर 0 होगा 0 प्लस आई, सबसे पहले आई की वैल्यू बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वाई लिख लेता हूँ, वाइल के अंदर मैं क्या कर दूँगा अपनी कंडीशन दे दूँगा। अब कंडीशन क्या है कि ये लूप मुझे कहाँ कब तक चलानी है, ये लूप मुझे तब तक चलानी है वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, जब तक आई की वैल्यू एन के इक्वल है या एन से कम है तब तक मुझे ये लूप चलानी है। ठीक है, और यहाँ पे इसे बंद कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम को आउटपुट कराऊंगा स्क्रीन पे पर, सम इज परसेंट डी, जो मेरे पास सम है वो परसेंट डी है जिसे मैं एड्रेस कर रहा हूँ सम के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एवरेज करूँगा, एवरेज इक्वल्स टू फ्लोट। अब मुझे एवरेज निकालनी है, तो एवरेज क्या होती है, हमारे पास सम अपॉन एन, कितने नंबर हमने एंटर किया है उसकी डिवीजन होती है किसके साथ, सम के साथ। तो फ्लोट करूँगा यहाँ पे एन, सॉरी सम, डिवाइड करूँगा उसे एन के साथ। तो मैं यहाँ पे इसे सेमीकोलन लगा दूंगा और फिर से प्रिंट ऑफ करवाऊँगा द एवरेज इज, कि जो हमारे पास एवरेज है वो क्या है, परसेंट एफ है, जो भी हमारी एवरेज आएगी वो परसेंट एफ होगी, तो वो एफ कहाँ पे, एवीजी में। तो इसे कर दूंगा बंद, सॉरी, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ पे हम करेंगे गेट सी एच का यूज़। ठीक है, तो अब ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप के, जो कि है मेरे पास एन, सम और आई। एन मेरे पास क्या है कि जितने नंबर्स की एवरेज निकालनी है वो उसमें स्टोर करवाऊंगा मैं। सम मैंने एज ए कंट्रोल वेरिएबल रखा है और आई भी मैंने एक कंट्रोल वेरिएबल रखा है। तो मैंने फ्लोट भी एक एवरेज के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले मैं यूज़र को कहूँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, अब जो भी एंटर वो करेगा वैल्यू उसे मैं एन के अंदर स्टोर करवा दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कर दिया, आई को इनिशियलाइज़ कर दिया 1 के इक्वल और सम को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया किसके इक्वल, सम को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया 0 के इक्वल। फिर उसके बाद मैं डू वाई लूप चला रहा हूँ, मैंने कहा कि डू ये काम करना है तुम्हें, आई प्लस प्लस करना है और सम इक्वल टू सम प्लस आई करना है, कब तक, जब तक जो आई की वैल्यू है वो एन के इक्वल है या एन से कम है। ठीक है, तो ये लूप तब तक चलेगी। पहली बार क्या होगा, आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस वैसे मुझे बाद में लिखना चाहिए था, हाँ आई प्लस प्लस मुझे बाद में लिखना चाहिए था क्योंकि सम होने के बाद आई प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस बाद में लिखूँगा। अब देखिए जब ये लूप चलेगी, सबसे पहले क्या होगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस क्या होगा 1 होगा, 1 सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से ये लूप चलेगी, आई प्लस प्लस की कंडीशन चलेगी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सम इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ऐसे सोन चलता रहेगा जब तक हमारा नंबर नहीं खत्म हो जाते। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कंपाइल करके देखते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंपाइल करेंगे तो इसका मैं नाम रख देता हूँ एज ए डू वाइल डॉट सी के नाम से और इसे सेव कर लेता हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर 0 शो कर रहा है, तो मैं इसे रन करूँगा यहाँ से। जैसे मैं रन करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है, कहते प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, कि एन की वैल्यू एंटर कीजिए। मान लीजिए मैं एन की वैल्यू एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे पहले 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी है, मैं 5 एंटर करूँगा। तो देखिए सम इज़ 15 और अब 5 का क्या होगा, मैंने 5 एंटर किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना था हमारे पास, 15 ही होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 क्या था 10, 10 प्लस 5 15 होता है, सम हमारे पास 15 आ गया।
अब मैंने 15 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो जब मैं सिर्फ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी 3। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसका यूज़ किया। तो ये हमारे पास एवरेज का फंक्शन हमने बना लिया। एक बार हम फिर से इसे रन करेंगे, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने 10 नंबर्स की एवरेज निकाली, तो 10 सेंटर करूँगा, तो सम जो मेरे पास 55 और एवरेज क्या है मेरे पास 5.5000 सोन, ऐसे हमारे पास आ जाएगी। तो अब कई पूछेंगे कि यहाँ पे मैंने फ्लोट का यूज़ क्यों किया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या, जब मैंने यहाँ पे एवरेज निकाली है तो ब्रैकेट में लिखा फ्लोट, इसे हम कहते हैं डाटा कन्वर्जन। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, कमेंट डालकर ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे हम डाटा कन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि मुझे पता है सम मेरे पास इंटीजर है और एन वी मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो जब हम इंटीजर इंटीजर की क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो मेरे पास जो एवरेज है वो भी डिवीजन में आएगी। इसलिए मैंने इसमें से एक को क्या कर दिया, फ्लोट डिक्लेयर कर दिया पहले ही। मैंने कंपाइलर को कह दिया कि उससे पहला कि तुम इनकी डिवीजन करो, तुम्हें सम को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, जिसे हम डाटा कन्वर्जन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डू वाइल कैसे वर्क करता है, सिंपली हमें डू लिखना होता है, उसके अंदर जो हमें करवाना है वो लिखना होता है बॉडी ऑफ लूप के अंदर। ठीक है, जो सारी है कि हमारे पास बॉडी ऑफ लूप है, और उसके बाद हमें क्या करना था, वाइल के अंदर कंडीशन दे लेनी होती है कि कब तक ये लूप को चलाना है। तो बस ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को अच्छे से बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डू वाइल लूप। क्योंकि वाइल लूप तो बिल्कुल सिंपल थी, डू वाइल लूप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगली लूप हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जो हम देखेंगे वो है फोर लूप बहुत ही सिंपल सी लूप है, और उसमें एक ही स्टेप में सारे काम हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।